अंतोगत्वा त्रिकूट पहाड़ पर जो रोपवे घटना घटी और वहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला वो लगभग समाप्त हो चुका है। 10 तारीख के शाम 4 बजे के लगभग से लेकर आज के 2 बजे तक वहाँ कई जद्दोजहदें चली। लगभग 48 लोग उस रोपवे में फंसे रहे और लगातार हमारी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर रही है। 10 तारीख के 6 बजे से ही हमने अपने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, वरीय पदाधिकारी को हाई अलर्ट पे रखा था, जिसके तहत एनडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम, एयरफोर्स की टीम को एक्टिव किया जा सका। मुझे लगता है इस तरह की घटना हमारे राज्य में क्या देश में शायद ये पहला घटना हमें लगता है। लेकिन जो भी घटना थी बहुत पीड़ादायक और काफ़ी दर्दनाक रहा, जिसमें महिला, पुरुष, छोटे बच्चे सभी लोग फंसे रहे। अंतोगत्वा 48 लोगों में 46 लोगों को बचाया जा सका और जो भी लोग इसमें मौत जिनकी हुई है उनकी मौत पर और उस घटना में जो भी जख्मी हुए उनके प्रति मैं गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। आज इस भयावह घटना क्रम में, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रात के 12 बजे भारत सरकार के वरीय पदाधिकारियों के साथ संपर्क साधते हुए